उसके बाद आप trainbooking.cscloud.in पर जाकर के आसानी से आप ट्रेन बुक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहां से पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि IRCTC का हम ID कैसे ले सकते हैं CSC के द्वारा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैं डायरेक्ट लिंक दे दिया हूँ, उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप CSC डिजिटल सेवा पर आ जाएंगे। आप अपना ID पासवर्ड एंटर करके लॉग इन कर लीजिएगा, आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ आपको एक सर्च बटन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके IRCTC लिखिएगा, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो IRCTC का आपको एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पर आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो आपके सामने registration.cscloud.in पर आप पहुँच जाएंगे और यहीं से आप जो है अपना स्टेटस भी चेक कर पाएंगे और साथ ही आप यहाँ से नया रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे लिया हुआ है CSC का IRCTC जो एजेंट ID होता है, और हम यहीं से टिकट बुकिंग कर लेते हैं। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि कैसे दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या है प्रोसेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसे सबसे पहले आपको पढ़ लेना होगा, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सर्विस वाले ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा। जब यहाँ पर आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन बताई है। आप देख सकते हैं अगर IRCTC एजेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो ₹1000 आपको डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। ₹1000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, ये नॉट रिफंडेबल है, ये आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। सकते हैं यहाँ पे फाइंड आउट योर IRCTC एजेंट कोड, यहाँ पे आप क्लिक करके अपना एजेंट कोड प्राप्त कर सकते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद आप कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपडेट कर लेंगे कभी, तो आप इस पर जाकर के अपडेट कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल ईमेल कभी भी अपडेट करना चाहते हैं तो इस लिंक पे जाकर के कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो आपको क्लिक हियर का बटन दिख रहा है, इस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, अब आपके सामने वेरिफिकेशन फॉर ईमेल आईडी पैन फॉर IRCTC एजेंट, आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना होगा, आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, और ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो आपके आधार के साथ लिंक्ड है वही एंटर कीजिएगा, बेटर होगा। तो आप यहाँ पे दोस्तों एंटर कर लीजिए और पैन कार्ड नंबर एंटर करके सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट करते हैं तो अगला प्रोसेस ओपन हो जाएगा, एक फॉर्म, और जहाँ पर उस फॉर्म में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको भरना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो वो प्रोसेस में आपको बता दिया गया है कि क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस है, उसके बाद लॉगिन प्रोसेस है, उसके बाद आपका पैन कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है वो, उसके बाद प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका आईडी कंप्लीट हो जाता है तब आपका दोस्तों वहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद अगर आपका अप्रूव हो जाता है आईडी, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए फिर से आपको इसी वाले ऑप्शन पर आना होगा, सर्विस में जाना होगा, और यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।